हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट टू नहीं, सॉरी, ये पार्ट थ्री है। पार्ट टू ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पूरा क्वेश्चंस देखेंगे। 50-50 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज़ टाइप की है। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस टॉपिक पर, यानी कि 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर हम उसके आगे से क्वेश्चन देखेंगे। गाइज, यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराया जाए। टॉपिक वाइज भी हमारी वीडियो चल रही है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस पे भी, इंटरनेट पे और नेटवर्किंग, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितनी भी डीबीएमएस पे, सब पे हो रहा है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बैंक के लिए, बैंक पीओ क्लर्क के लिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुश पीसीएल के लिए, यूपी पीसीएस, एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पे कंप्यूटर पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो गाइज, इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जैसे वीडियो यहाँ से हम अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन हो गए थे, 101 क्वेश्चन में हमारा ये है कि व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड फीचर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर व्हेन जापान स्टार्टेड FGCS। यानी कि पूछ रहा है कि जो लेटेस्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है जापान में जो स्टार्ट किया गया है, वो कैसे है, यानी कि किस टेक्नोलॉजी पे, कैसे फीचर्स क्या क्या हैं। तो उसमें ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करेगा। उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगी लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू काम कर देगा। अभी तक जितने होते थे सीरियल होते थे, और ये पैरेलल प्रोसेसिंग की तरह काम करेगा, बहुत ही एडवांस वर्जन होगा। इसमें हम टॉपिक जो हमारा है फंडामेंटल कंप्यूटर, सारे के सारे मिला के क्वेश्चन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो बहुत सारे जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उनके लिंक हमने दे रखा है वहाँ पर। यहाँ पे हम क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर सिर्फ देखेंगे कौन सा आंसर सही है, वहीं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन डिस्कशन करने लायक होगा उसको हम डिस्कस भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज़ नॉट यूज मेन मेमोरी सिस्टम। कहने का मतलब कह रहा है कि वो कौन सी मेमोरी मीडियम है जो कि मेन मेमोरी में नहीं यूज़ होती है। तो मेन मेमोरी में देखो मैग्नेटिक कोर होता है, मैग्नेटिक टैप, ऑप्शन सी ई है, जो मैग्नेटिक टैप है मेन मेमोरी में नहीं यूज होता है। द स्टोरेज सब सिस्टम इज अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट मेनली ऑफ डैश डैश, दो ऑप्शन दे रखा है, मीडिया विद द वेरिंग कैपेसिटीज। तो ये होता है मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। कहने मतलब कोई प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक टास्क के, किसी स्पेसिफिक फीचर्स टास्क के लिए बनाया गया और डिज़ाइन किया गया, उस प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गाइज, वीडियो एक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटर के बारे में, जैसे कंपाइलर क्या होते हैं, क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे वहाँ पे डिस्कस करे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेट्स, कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करता है, ऑपरेट्स द डिवाइस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें देखो आपको बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है। तो एंटीवायरस देखिए, इसमें ऑप्शन ए भी है एंटीवायरस, एफ प्रॉट भी है, ओरेकल जो है, ओरेकल आपका DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। गाइस बता दें कि DBMS में भी सेपरेट वीडियो चैनल पे है, उसको आप देख सकते हैं, डिटेल में डिस्कशन किया गया, उसके बारे में बताया गया, उस पर कई सारे MCQs भी कराए गए हैं। व्हाट इज़ अ कंपाइलर, जैसे कि मैंने बताया कंपाइलर के भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। कंपाइलर करता क्या है, उसमें पूछ रहा है कंपाइलर है क्या, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अ कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल ऑफ हायर लेवल प्रोग्राम्स कोड इनटू मशीन कोड में। यानी कि करता क्या कि हाई लेवल लैंग्वेज को, आप ऐसे समझिए कि कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। 108 का क्या है, कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
माइक्रो कंप्यूटर को हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए इनपुट यूनिट डिवाइस, इनपुट इसमें क्या नहीं है? देखो तो प्लॉटर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस है, बाकी इसमें से जितने हैं इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे एक सेपरेट वीडियो है जिसमें उसमें जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया है, उन्हीं के बारे में डिटेल बताया गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसका करेक्ट है आंसर सी, IBM यूज CICSC CPU डिज़ाइन, यही करेक्ट ऑप्शन है इसका। विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फाल्स, इसमें फाल्स जो है ऑप्शन सी फाल्स है, बाकी सब सही। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर, ये गलत है, सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी, इसमें से कौन सा जो होता है लार्ज कंप्यूटर मेमोरी चाहिए होती है इमेजिंग के लिए, ग्राफिक्स, वॉइस, ऑल ऑफ द अबव, आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम क्या होते हैं? देखिए मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जो मशीन समझ सके यार, तो लो लेवल भी नहीं समझता असेंबली, ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, ये मशीन डिपेंडेंस प्रोग्राम्स होते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया गया था? तो ये 1944 में, 1944 में फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया गया था। द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वॉज, तो पहला कौन सा मशीन था कंप्यूटर था जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को सबसे पहले परफॉर्म किया था? तो ऑप्शन वन इज सॉरी बी मार्क फर्स्ट या मार्क वन आप कह सकते हैं इसको, फर्स्ट मशीन थी या कंप्यूटर था जो सक्सेसफुली परफॉर्म किया था लॉन्ग सीरीज अर्थमेटिक एंड डिजिटल ऑपरेशन को। बिस वन इज द लार्जेस्ट स्पेस, इसमें से आपको बताना है सबसे ज़्यादा स्पेस किसके होती है यानी मेमोरी किसके पास सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे बड़ा होता है पेटाबाइट। देखो पहले होता है किलो होता है, दूसरे नंबर पे जीगा होता है, अगर फिर उसे टेराबाइट होता है, फिर पेटाबाइट होता है, पेटाबाइट सबसे लार्जेस्ट साइज स्पेस होता है, साइज़ होती है इसमें। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम लैंग्वेज इज मोर सुटेबल, देखो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ये सबसे बढ़िया यूज़ होता है साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है आपको पता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, CPU इसको कहते हैं, आपको पता होगा गाइस CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट लॉन्ग एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, तो किसमें है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्स, जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उनको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्स चाहिए होती है उनको वर्क करने के लिए। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर्स जॉगन फॉर इट। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं यार कि जो भी एरर होते हैं किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में अगर बनाए जाते हैं उसको हम बग कहते हैं, और उसको बग को सही करने के लिए एक रन कराया जाता है, डिबगिंग कराई जाती है, डिबगिंग। तो इसका आंसर होगा आंसर डी ग्लिच। द एडवांटेज ऑफ COM आर इट्स, क्या होता है इसका आंसर है आंसर ए कॉम्पैक्ट साइज रीड रीडेबिलिटीज। द BIOS इज द एब्रिविएशन ऑफ, यानी कि BIOS का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन ए बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है BIOS का। विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर द डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो कौन सा होता है यूज़ करते हैं बेस्ट माना जाता है, वो है लेज़र प्रिंटर, और लेज़र प्रिंटर ही सबसे अच्छा प्रिंटर इसमें माना जाता है। IBM 1401 is एज अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ये है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर गाइज अगर पढ़ेंगे वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने वहाँ पे MCQs तो कराए हैं लास्ट में, उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, क्या क्या उसके समय में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था,
और कैसे कौन कौन से कंप्यूटर यूज़ होते थे उस समय में, वो सारा का सारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पूरा का पूरा यूज़ बताया गया है डिटेल से। यहाँ पे सिर्फ हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, उसका आंसर किया जा रहा है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वे आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो बनाए गए थे वो ज़्यादातर स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए इज़ राइट आंसर। फ्लॉपी डिस्क टिपिकली इन डायामीटर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क जो टिपिकली डायामीटर इनके होते हैं, ये ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों साइज में मिल जाते हैं आपको। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, किसी भी प्रिंटर के आउटपुट जो होते हैं उनकी क्वालिटी जो मीटर मेज़र की जाती है डॉट पर इंच के हिसाब से, ये यूनिट होती है एक तरीके के, समझ लो डॉट पर इंच। नेक्स्ट, ऑन अ पीसी हाउ मच मेमोरी इज अवेलेबल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये 640 KB का होता है। इन अ कंप्यूटर इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट, देखो वो पूछ रहा है कंप्यूटर में वो कौन सी चीज़ होती है जो सिंगल बिट को स्टोर करता है। तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है, ये वन डायरेक्शनल डिवाइस होती है, एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है और ये सिंगल बाइनरी बिट्स को स्टोर करता है, यानी एक बिट को भी स्टोर करता है, ऐसे समझिए। व्हाट डज डीएमए स्टैंड्स फॉर, डीएमए जो होता है वो स्टैंड करता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर है बी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट को कौन इन्वेंट किया है, ये है दोनों लोग, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम आईसी कहते हैं, आईसी को किसने इन्वेंट किया था, जैक केल्वी और रॉबर्ट नॉसी दोनों ने मिलके किया था। अब एक वीडियो हमारा इन्वेंशन का है जिसमें बताया गया जितने आविष्कारक हैं कंप्यूटर के और कंप्यूटर के आविष्कारक उनके नाम, पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, वहाँ पे इन सबको डिटेल बताया गया है। आप देखेंगे उस एक वीडियो से आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट जितने भी इन्वेंशंस हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर्स कम्स अंडर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। वन कंप्यूटर दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ पोर्टेबल, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से नहीं होने माने जाते हैं, देखिए लैपटॉप होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है गाइज, पोर्टेबल का मतलब कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सके, उसको आसानी से ले जा सकते हैं। तो लैपटॉप कंप्यूटर्स और नोटपैड होता है मिनी कंप्यूटर्स जो नहीं माने जाते, कंसीडर नहीं किए जाते, हालांकि इसको भी ले सकते हो, लेकिन इस ऑप्शन में अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को आपको मिलता है तो आपको करना होगा आंसर ए इज़ राइट। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या नहीं है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी इज़ ए बी सी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है, बाकी तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं। गाइज एक आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, ए बी सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में उसको बताइए यदि आपको पता है तो। वट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेट अटेंसन, तो ये होता है रिवर्स वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर देखिए इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट मतलब साइज की बात हो रही है और ऐसे नहीं कि आप स्पीड में या उसकी बात कर रहे हो, साइज में सबसे बड़ा क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं ये। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेरी एक सेपरेट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इंडिया के और पूरे वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर कौन कौन से अच्छे अच्छे हैं उनका पूरा का पूरा वहाँ पे बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट यूनिटी ऑफ डेटा ऑन द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्वेश्चन को करके बहुत, क्योंकि आंसर बहुत ही मिलता जुलता रहता है, कोई बीट्स करके आ गया, कोई हर्ट्स करके आ गया, कोई बाइट्स, कोई साइकिल, हालांकि डी आंसर तो कोई नहीं करेगा लेकिन इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट यूनिट ऑफ डेटा ऑन एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, वो होता है बाइट ना कि बिट्स।
द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड। तो पर्सनल कभी IBM है, आपको भी पता है IBM ही एक कंपनी है जो स्टार्ट हुई थी। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है बी, विच इज़ असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है आपको पता है? किसी को डेडिकेट किया जाना, किसी को मतलब स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया। तो ये क्या होता है, विच इज़ असाइंड वनली एंड ओनली वन टास्क, यानी ये किसी एक के ही टास्क के लिए असाइन किया गया, स्पेशल के लिए कि आप यही कर सकता है ये। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड लो लेवल लैंग्वेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें लो लेवल लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, आप सबको पता होगा। विच वॉज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, देखिए वैक्यूम ट्यूब के डिसएडवांटेज क्या थे, दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफ्टन बर्न आउट। ये क्या करता है, हीट, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, हीट को प्रोड्यूस करता था और जल जाते थे। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब, जिसको वॉल्व कहते थे। इसकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी होती थी, ये बात सच है, लेकिन उस समय कंप्यूटर ही ऐसे बनते थे तो उसके डिसएडवांटेज नहीं हो सकते। सबसे बड़ा यही थी, हीट बहुत ज़्यादा होती थी और वो जल जाता था। रजिस्टर विच आर पैरेलली विजिबल टू यूज़र एंड यूज टू होल्ड कंडीशनल आर नोन एज, ऑप्शन सी इज राइट एंड जनरल पर्पज रजिस्टर होता है। विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इसमें से क्या नहीं था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन के बाकी सारे के सारे थे। रजिस्टर विच आर पार्शली विजिबल टू यूजर एंड यूज टू होल्ड कंडीशनल कोड बीट्स बाई सेट बाई यू CPU हार्डवेयर एंड रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन आर नोन एज अ फ्लैग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉज करके आप पढ़ के इसको देख लीजिएगा गाइज। हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैक्यूम ट्यूब को किसने इन्वेंट किया था, ली डी फॉरेस्ट ने, किसने किया था, ली डी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन किया था, इन्होंने इसकी खोज की थी, यानी ये इसके आविष्कारक हैं। एन अप्रोच दैट परमिट्स द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम्स इंस्टीड ऑफ वन इज, देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये बता रहा है कि किसके लिए इंसिस्ट, मतलब किसी एक कंप्यूटर से परमिट किया जा रहा है कंप्यूटर वर्क टू ऑन सेवरल कंप्यूटर्स, किसी एक के जगह पे कई सारे कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग इसको कहा जाता है। इसमें बहुत से लोग मल्टी प्रोग्रामिंग या आउटलाइन प्रोसेसर नहीं, ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग ही आंसर इसका करेक्ट होगा। हु सजेस्टेड स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने सजेस्ट किया था कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को, तो ये जॉन न्यूमैन ने सजेस्ट किया था स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट SPC के लिए। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU में क्या क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा गाइस लेकिन देख लीजिए, अगर नहीं पता है तो। कंट्रोल यूनिट होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अर्थमेटिक यूनिट होता है और प्राइमरी स्टोरेज भी होते हैं, ठीक है। तो आप इसका करेक्ट आंसर आप इसमें ये देखिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट रहता ही रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। द नोटेबल फीचर्स लाइक कीबोर्ड्स मोनीटर GUI वेर डेवलप इंड, किस में ये डेवलप किए गए थे, कीबोर्ड मोनीटर ये किए गए थे थर्ड जनरेशन में। आपको बता दी गाइज थर्ड जनरेशन में ये GUI क्या है, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका फॉर्म है, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो लास्ट क्वेश्चन है गाइज, यूनिवैक इज, यूनिवैक का फुल फॉर्म बताना है, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये वीडियो यहीं पे इसका अंत होता है, आई होप कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिए, आपके लाइक से ही और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लेके आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।